So we will continue our next chapter, that is chapter 15, the carnivorous plant. इस chapter में we will study, जैसे in some areas जहाँ पे where the soil is thin, जहाँ पे मिट्टी बहुत thin होती है या there is lack in nutrient, तो ये जो कुछ certain type of plants हैं वो उस माहौल में अपने आप को adapt कर लेते हैं and they evolve by driving most of their nutrient. तो वो nutrients लेते हैं by trapping and consuming the tiny insect and other arthropod. तो इस chapter में हम कुछ carnivorous plants के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से वो पांच basic तरीके इस्तेमाल करते हैं टू ट्रैप देयर प्रे. प्रे का मतलब होता है जो अपना शिकार वो करते हैं. तो सबसे पहले हम कुछ कार्निवोरस प्लांट्स के नाम आपको मैं बताऊंगी. वन इज़ पिटफुल ट्रैप, फ्लाई पेपर ट्रैप, स्नैप ट्रैप, ब्लैडर ट्रैप, लॉबस्टर पॉट ट्रैप. तो ये कुछ यहाँ पे कार्निवोरस प्लांट है. तो वन बाय वन वी विल स्टडी अबाउट देम. सबसे पहले जो पिटफुल ट्रैप है, दिस इज़ अ पिचर प्लांट. ये एक पिचर प्लांट है जो कि आप पिक्चर में देख सकते हो इन योर बुक. द लाइनिंग ऑफ द मोस्ट, जो लाइनिंग होती है पिचर प्लांट की, आर कवर्ड विद द लूज कोटिंग ऑफ वैक्स. वो बिल्कुल मोम की तरह होता है. उनके जो फ्लेक्स होते हैं, जो गुच्छे होते हैं, बिल्कुल मतलब लच्छेदार अंदर से होता है, पूरा वैक्सी टाइप होता है, जिसकी वजह से विच आर वेरी स्लिपरी, जो कि किसी भी इंसेक्ट के लिए बहुत स्लिपरी होता है. अगर वो एक बार इसमें चला गया तो वो पूरा फिसलता हुआ अंदर तक चला जाता है, उस पूरे पिट में वो अंदर चला जाता है, कॉजिंग देम टू स्लिप इन टू द पिटफॉल ट्रैप. और वो उस तरीके से उसमें ट्रैप हो जाता है, कैद हो जाता है. और इस तरीके से जो पिचर प्लांट है वो अपने न्यूट्रिएंट्स ले लेता है. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द फ्लाई पेपर ट्रैप. दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ केप सनड्यू. ये आप पिक्चर देख सकते हो केप सनड्यू की. प्लांट्स सच एज सनड्यू, बटरवॉर्ट यूज़ अ फ्लाई पेपर ट्रैप मैकेनिज्म. ये इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा स्टिकी मल्किलेज होता है और अ ग्लू बहुत ही काफ़ी स्टिकी होता है, जिसकी वजह से ये अपने जो प्रे है उसको ट्रैप कर लेता है और फिर न्यूट्रिएंट्स हासिल कर लेता है. नेक्स्ट है स्नैप ट्रैप. स्नैप ट्रैप के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप एंड द वाटर व्हील प्लांट यूज़ द स्नैप ट्रैप मैकेनिज्म. ये इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं. जब कोई टाइनी इंसेक्ट, बहुत छोटा इंसेक्ट इनके पास आता है, द सेंसिटिव हेयर, इसमें कुछ पतले सेंसिटिव हेयर्स होते हैं उसके लीफ लोब्स में, मतलब कि इसका डिवीज़न हुआ होता है, इसका प्लांट का डिवीज़न हुआ होता है दोनों साइड, और उसमें पतले जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, दे आर वेरी सेंसिटिव हेयर ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द लीफ. और ये क्या करते हैं, अचानक से ये उस पर अटैक करते हैं, ठीक है, कॉजिंग देम टू स्नैप शट. और फिर जैसे ही इस पर इंसेक्ट बैठता है, ये अपना माउथ जो है वो बंद कर लेते हैं, दे स्नैप द शट. उसके बाद नेक्स्ट है ब्लैडर ट्रैप. जो ब्लैडर वर्ट है, यूज़ द ब्लैडर ट्रैप टू कैप्चर देयर प्रे. अ वैक्यूम इज़ क्रिएटेड. इसमें एक खालीपन सा वैक्यूम होता है, बिल्कुल खाली होता है, क्रिएटेड विद इन द ब्लैडर विच सक, जो कि खींच लेता है अपनी तरफ, सक कर लेता है उसको इन द प्रे. लॉबस्टर पॉट ट्रैप, जो ये कॉर्क स्क्रू प्लांट यूज़ द लॉबस्टर पॉट ट्रैप टू कैच देयर प्रे. दिस टाइप ऑफ ट्रैप हैज़ अ चैम्बर. इनका एक चैम्बर होता है जो कि विच हैज़ एन ईजी एंट्रेंस. उसका बहुत ही आसान तरीका होता है, आसान एंट्रेंस होता है उसका. द प्रे फाइंड इट डिफ़िकल्ट, जिसमें से जो प्रे होता है वो बाहर नहीं निकल पाता ड्यू टू इट्स इनवर्ड पॉइंटिंग ब्रिसल. इनवर्ड पॉइंटिंग ब्रिसल क्योंकि उसमें बाल टाइप खड़े होते हैं, तो जिसके कारण वो उसमें फंस जाता है और वो बाहर नहीं निकल पाता, उससे एस्केप नहीं हो पाता. So in this chapter, we have read about the carnivorous plant. That's all for today. Thank you.